सो हेलो फोक्स, ReactJs के इस कंप्लीट कोर्स में हम ReactJs को स्टार्ट टू फिनिश, मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके एंड गोल हमारा ये रहेगा कि आप एक जॉब रेडी फुल स्टैक या फ्रंट एंड डेवलपर बन जाओ। बिकॉज इस कोर्स में हम 5 से 6 ऐसे रियल टाइम प्रोजेक्ट करेंगे जिसके थ्रू आप इजीली किसी भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं या फिर आप फ्रीलांसिंग वर्क करके भी अर्न कर सकते हैं। सो गाइस, ReactJs एक बहुत ही ट्रेंडिंग लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, जिसको फेसबुक ने डेवलप किया है। इसका सबसे बेस्ट फीचर है कि आप इसमें सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन मीन्स आप कोई भी वेबसाइट को एक बार लोड करके बिना पेज को रिफ्रेश करे इजीली नेविगेट कर सकते हैं। किसी भी वेब पेज पे या फिर किसी भी वेब पेज पे आप कोई भी कंटेंट लोड कर सकते हैं बिना पेज को लोड करें। सो गाइस, ReactJs एक कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है जिसमें आप इजीली किसी भी मॉड्यूल को या किसी भी फंक्शन को कंपोनेंट्स में तोड़ के या ब्लॉक्स या चंक्स में तोड़ के आपको रीयूज कर सकते हैं बिना HTML को रीरेंडर करें, जो कि इसका सबसे बेस्ट फीचर है। सो गाइस, इन टुडेज एरा अगर आपको फ्रंट एंड या फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आपको ReactJs आना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या कोई भी जॉब पे अप्लाई करेंगे एज अ डेवलपर, तो आपको ReactJs की रिक्वायरमेंट मिलेगी ही मिलेगी। बिकॉज ReactJs काफ़ी ट्रेंडिंग लाइब्रेरी है इस समय एंड बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रही है बड़ी बड़ी MNCs में एंड अदर कंपनीज में। सो गाइस, ReactJs के अंदर आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, जिसमें हम HTTP कॉल्स, रिडक्स, React राउटर डॉम एंड काफ़ी सारे useState, useNavigate, useEffect, काफ़ी सारे हुक्स को भी पढ़ेंगे जिसके थ्रू आप एक लाइट वेट एंड इम्प्रेसिव वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। सो गाइस, ReactJs एक बहुत ही सिंपल सिंटेक्स लाइब्रेरी है। इस कोर्स में आपको प्री रिक्विजिट कुछ भी नहीं है। हम इस कोर्स में JavaScript को ReactJs के साथ ही कवर करेंगे। जितनी आपको बेसिक JavaScript आती है उसके थ्रू आप पूरी ReactJs कंप्लीट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। सो गाइस, इस ReactJs के कोर्स में हम ReactJs के अलावा वनीला JavaScript, Node.JS, NPM एंड Redux जैसे कंपोनेंट्स को कवर करेंगे, जिससे थ्रू आप इजीली कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, पैकेज कर सकते हैं, उसको बिल्ड करके होस्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट में हम इस पूरे प्रोसेस को होस्ट भी करेंगे एक फ्री होस्टिंग सर्वर के ऊपर एंड फ्री डोमेन के ऊपर। सो गाइस, बस आपको इन प्लेलिस्ट को कंप्लीट देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में या मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी टू लर्न ReactJs विद ऑल ऑफ यू। सो लेट्स जंप टू द कंप्यूटर स्क्रीन। सो गाइस, ReactJs स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा नोड अपने सिस्टम में। बिकॉज हम ब्राउजर पे तो जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं, बट अगर हमें अपने सिस्टम में रन करना है जावास्क्रिप्ट को, तो इसलिए हमें नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। बहुत से लोग नोड इंस्टॉल कर लेते हैं बट उनको स्टिल मतलब नहीं पता होता कि हमने नोड डाउनलोड क्यों किया है। ओके, सो आप देखो, डाउनलोड Node.js की वेबसाइट पर जाओगे सिंपल एंड यहाँ पर आप डाउनलोड पर क्लिक कर दो। एंड डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपके पास अगर विंडोज़ है, आपके पास अगर मैक है और अगर आप सोर्स कोड से भी इंस्टॉल करना चाहते हैं विद लिनक्स और एनी अदर OS, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो विंडोज़ वाले विंडोज़ पर क्लिक करें, Mac OS वाले Mac OS पर, तो सिंपल एक इंस्टॉलर फाइल आ जाएगी। डायरेक्ट क्लिक करो ऑन इंस्टॉल। ठीक है, तो आप देख सकते हो डॉट पैकेज फाइल आ गई है। मैं इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकता हूँ एंड मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो जैसे आप Node.js इंस्टॉल करते हो ना, तो Node.js में आपके पास 2 पैकेजेस आते हैं। मैं एक बार आपको वर्जन चेक करा देता हूँ उसका। नोड वी आप देख सकते हो, नोड वी 18.14.0 एंड NPM नोड पैकेज मैनेजर, दोनों ही इस पैकेज के अंदर आज आपके इंस्टॉल हो जाते हैं एंड देन आप दोनों को यूज़ कर सकते हो नोड ब्राउजर ऑफलाइन रन करने के लिए। इसके अलावा भी नोड का बहुत सारे यूज़ है एंड NPM कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हमें NPM की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। सो नोड ब्राउजर में, अदर देन ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट चलाने के लिए एंड NPM किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए। सो इसके बाद हमें नेक्स्ट रोल करना है अपने टेक्स्ट एडिटर। तो यार, हम थ्रू आउट द प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करेंगे। सो हम सिंपल गूगल कर लेते हैं, बहुत ही ट्रेंडिंग आईडी है इस समय। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर दो। तो अगर आपके पास विंडोज़ है तो विंडोज़ आ जाएगा, मैक है तो मैक आ जाएगा, लिनक्स है तो लिनक्स आ जाएगा और मोबाइल है तो मोबाइल आ जाएगा, मोबाइल में चलाओ। ठीक है, तो डाउनलोड मैक यूनिवर्सल क्लिक कर दो। सो आप देख सकते हो यहाँ पे सीधा मेरे पास एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए आ गया एंड ये भी मेरे पास इंस्टॉल्ड है। ठीक है, सिंपल। सो यार, कुछ एक्सटेंशंस हैं जो हम इंस्टॉल करेंगे आफ्टर दिस वीडियो, लाइक सेकंड पार्ट में हम इसको इंस्टॉल करेंगे। अभी के लिए हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हम अपना रिएक्ट ऐप क्रिएट करने वाले हैं सिंपल, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। ठीक है, सो हमको क्या करना है सिंपल, यार देखो, एक
प्रोजेक्ट क्रिएट करना है ना, तो चलो पहले हम चलते हैं रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट, रिएक्ट स्टार्ट सिंपल डाल दो, ठीक है, क्रिएट न्यू रिएक्ट ऐप। सो आप देख सकते हो क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप, ओके, npx यूज़ कर लो, npm यूज़ कर लो, कोई इशू नहीं है। एंड यार वर्जन वगैरह याद रखना, देखो अब तो लेटेस्ट इंस्टॉल करोगे, सो ऑफकोर्स अगर लेटेस्ट नहीं है तो इसको एक बार अनइंस्टॉल करके npm और नोड मैनेजर को, उसके बाद आप देखो यहाँ पर नोड 14.0 एंड npm 5.6 चाहिए। वैसे तो देखो अपडेटेड ही इंस्टॉल होगा, काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है, अपडेट आए हुए। सो अब हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। अब देखो यार यहाँ से भी आप टर्मिनल ले सकते हो, न्यू टर्मिनल, ठीक है, या आप डायरेक्ट cmd में जाके, अगर आपके पास विंडोज है cmd, वरना मैं यहाँ पे टर्मिनल में जा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं करूँगा cd डॉक्यूमेंट्स, ओके, अभी मैं डॉक्यूमेंट्स में आ गया, देखो आप देख सकते हो ऊपर डॉक्यूमेंट्स में, विंडोज़ में आपको साइड में दिखाएगा, आई नो, बिकॉज मैंने यहाँ से कमांड क्लीन कर रखी, क्लीन नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक mk डायरेक्टरी करके एक फोल्डर बनाऊँगा, या फोल्डर नहीं भी बनाऊँगा, मैं इस ऐप को डायरेक्ट रन, यहाँ पे इस कमांड को डायरेक्ट रन कर सकता हूँ, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये डायरेक्ट कमांड है, एंड नेक्स्ट आपके फोल्डर का नाम है, तो हम इस कमांड को एज इट इज़ कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं इसको क्लिक करके एंटर कर दूँगा, ठीक है। अब आप देखो ये एक मिनट का टाइम लेगा बनने में। One eternity later. So, आप देख सकते हो क्रिएटिंग न्यू रिएक्ट ऐप, एंड यार कंसोल पढ़ा करो, कंसोल में हो क्या रहा है एक्जैक्टली, तुम्हें पता चलेगा फिर क्या होती हैं चीज़ें, ठीक है। इंस्टॉलिंग पैकेजेस विद द npm, एंड आप देख सकते हो इसको तो खैर क्या ही पढ़ोगे, इंस्टॉलिंग रिएक्ट रिएक्ट डॉम, वेट फॉर अ मिनट। सो तब तक कमेंट कर लो यार कि अगर कोई इशू आ रहा हो इस वीडियो लेक्चर में और अच्छा लग रहा हो तो अभी कमेंट कर दो, थोड़ा सा यू नो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई थोड़ा सा लोगों को अच्छा लग रहा है, काइंड ऑफ, ठीक है। एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन, बहुत ही यू नो वीडियो के जस्ट नीचे होता है, सिंपल क्लिक करना होता है। कितना टाइम लगा यार ये, एंड दिस विल डिपेंड ऑन योर यू नो कंप्यूटर इंटरनेट स्पीड, ओके आई थिंक हो गया। इंस्टॉलिंग टेम्पलेट डिपेंडेंसी यूजिंग npm, पता नहीं क्या रिमूव कर दिया इसने, ओके। सो आप देख सकते हो सक्सेसफुली क्रिएटेड माई ऐप एट यूजर माई नेम डॉक्यूमेंट माई ऐप, सो बिकॉज हमने नाम यहाँ पे नाम क्या दिया था क्रिएट के बाद माई ऐप, सो माई ऐप के नाम से क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे आपको कुछ कमांड्स मिली हैं जो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। तो अभी ये बोला है npm start for start the development server, एंड npm run build, npm test, npm run eject, काफ़ी सारी कमांड्स से धीरे धीरे करके सीखेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे cd my app, जो भी आपने डायरेक्टरी का नाम दिया है my app, हम आ गए। अब कमांड क्या दी थी, npm start, starting development server, terminal want to access your google chrome, okay let's give him access, okay guys, so हमारा boom edit source app.js and save to reload, हमारा react app create हो चुका है, right as you can see, so ये हमारा port start हुआ है local 3000 के ऊपर, ठीक है। सो हमारा सेटअप रेडी है, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम इस प्रोजेक्ट को पूरा स्टडी करेंगे, इसका फाइल स्ट्रक्चर, कोड स्ट्रक्चर, सिंटैक्स एंड ऑल दैट थिंग। सो गाइज आई होप इस वीडियो से आपने इंट्रोडक्शन एंड हाउ टू इंस्टॉल ऑल द सॉफ्टवेयर यू नो नोड जे एस, विजुअल स्टूडियो कोड एंड npm अपने सिस्टम में सेटअप कर लिया होगा, और सेम जो स्टेप्स मैंने करे हैं उनको फॉलो करके आपने अपना फर्स्ट रिएक्ट ऐप भी क्रिएट कर लिया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम रिएक्ट जेएस के काफ़ी कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं, यूज स्टेट, स्टेट्स क्या होती हैं, हुक्स क्या होते हैं, एंड किस तरीके से हम प्रॉप डिलीट कर सकते हैं, या फिर हम रिएक्ट राउटर ऐप को यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हमने इसमें डिस्कस किए हैं। एंड यार इस वीडियो में ना सबसे बेस्ट पार्ट है, जो हम प्रोजेक्ट्स करेंगे इन पूरे रिएक्ट कोड्स के अंदर, हम सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पर फोकस करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग इंप्रूव होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जावास्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे, बिकॉज जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी भी अगर वीक होगी ना, तो जावास्क्रिप्ट को हम साथ साथ पैरेलली कंप्लीट करेंगे, जिससे आपकी जावास्क्रिप्ट भी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। सो इस प्लेलिस्ट को आप बुकमार्क कर लेना, सेव कर लेना, और देखो मैं बताऊँ कहाँ मिलेगी, आप यूट्यूब पर जाना एंड चैनल सर्च कर लेना, ठीक है। सो आपको यहीं प्लेलिस्ट में, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहीं मैं अभी प्लेलिस्ट ऐड कर दूँगा, अभी तो फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। सो यहाँ पर प्लेलिस्ट में ऐड कर लूँगा, तो बुकमार्क कर लेना, ओके ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
कोई बाय बाय नहीं, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है. स्टे ट्यून्ड विद ट्राइदेव, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, जो मैंने वो करना, ठीक है. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.